रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ पटाटो विद एग करी, मतलब कि आलू और अंडे। जी मैंने प्याज में इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया प्याज को, और इसमें मैंने साथ में लहसुन अदरक पेस्ट सबको ग्राइंड इसलिए मैंने कर लिया है कि हम लोग बनाने वाले इनको थोड़ा सा रस में सासा, बड़ा मज़ेदार सा ये बनता है। और इन्हें ग्राइंड कर, अगर आप वैसे इन्हें गला लें थोड़ी देर के लिए, मतलब मसाला इसे नॉर्मली हम भूनते हैं, भूनने के बाद अब इसमें पानी ऐड करके इस मसाले को गला लें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें इसे आराम से ग्राइंड कर लें, क्योंकि इसमें किसी तरह का प्याज या टमाटर जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, एक पेस्ट बनता है। तो ये देखिए मैंने अपने प्याज़ों को ग्राइंड कर लिया, और मैंने इसमें अभी तक ऑयल नहीं डाला या घी नहीं डाला, इसलिए कि इनमें अभी पानी है, जब हम ग्राइंड करते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड किया जाता है। तो जैसे इसका पानी सूखता है मैंने इसमें ऐड करने हैं फिर घी को। तो जब तक मेरा पानी सूख रहा है मैंने एक साइड पर देखी चूल्हे पर मैंने अंडे जो है उबलने के लिए रख दिए हैं, तो इसमें मैं अंडे बॉयल कर रही हूँ। ये बहुत, अगर आप इन्हें अच्छे से पहले से ग्राइंड कर लेंगे तो ये आपकी जो खाना है जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे वैसे गलने के लिए चीज़ों को रख दें और उसके बाद इसे मिक्स कर लें। तो चलिए मेरा पानी सूखता है तो फिर मैं इसमें घी ऐड करती हूँ। ये देखिए इसमें पानी प्याज में सूख चुका है, अब इसमें मैं घी ऐड करूँगी, और हमें दो बड़े चम्मच लिए हैं, और अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर आएगा इनमें, अच्छे से मैं फ्राई करना है। तो चलिए मैं अच्छा से इनका जब तक गोल्डन कलर आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज देखिए हमारे गोल्डन से लाइट का गोल्डन कलर आ गया, और कितना अच्छा उसने घी छोड़ दिया प्याज में, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना तमाम पानी था वो अच्छे से सूख चुका है। अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर में भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इन्हें ग्राइंड करने के लिए। तो अब टमाटर हमने इसमें ऐड किया, तो इसके साथ मैं थोड़े से मसाले भी ऐड कर दूंगी, और फिर इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और जो मसाले हैं वो ऑलरेडी अगर इसके अंदर कुछ पानी की गुंजाइश हो तो वो उन्हें जज़ब कर लेते हैं। तो मैंने ये एक चम्मच मोटी मिर्चों का दादर, और तकरीबन मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हम लोग तकरीबन एक चम्मच 1 टीस्पून हल्दी, एक चम्मच हम लोग सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने तमाम खुश्क मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और मैं इन्हें अच्छे से मसाले को भून लूँगी, और जैसे ही मैंने इसे भून लूँगी, और अब मैंने इसमें नमक ऐड करना है, तकरीबन मैंने एक चम्मच ऐड किया, लेकिन आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसे अच्छे से थोड़ी देर और भूनूंगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये मज़ीद अच्छे से जब घी छोड़ देगा। तो इसमें मैंने सिर्फ आलू ऐड करने हैं, और अंडे जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए अच्छे से इसको मसाले को कर लेते हैं। देखिए इसमें घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये जो बुलबुले होते हैं ये इसकी निशानी होती है कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है, अब ख़त्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, और अब इसमें सिर्फ घी रह गया। अब मैं इसमें आलू जो मैंने 2 से 3 लिए थे वो ऐड कर दिए इसमें, आप आलूओं को किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। आलूओं को इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और जितना पानी हमें चाहिए उतने, मैंने तमाम मसालों को अच्छे से पहले ही गला लिया, तो इसमें सिर्फ पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ना। अंडे मैंने अपने बॉयल करके पहले से तैयार रखे हैं, मैं उनको छील लूँगी, और चाहे तो आप इसमें अंडे मुकम्मल पूरे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कटिंग करके, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले मैं अपने आलू अच्छे से इसके अंदर करने के भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। आलूओं को अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितना आपको इसके अंदर चाहिए, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है ताकि इसके अंदर पकेगा भी। इसके बाद जैसे ही आपको लगेगा कि इसका मसाला अंदर इसके पानी के अच्छे से घुल गया और ये थिक हो गया है तो आप बस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ढांक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट तक इस पानी को पकने दूंगी, और मेरा मज़ेदार सा पटैटो विद एग करी तैयार हो जाएगी, मतलब कि आलू अंडे की करी।
मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था क्योंकि एहसान जो है ना उसको तो कच्चा धनिया नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने धनिया जो है जब इसको पकने के लिए रखा था तो इसमें धनिया ऐड कर दिया था ताकि उसके अंदर अच्छे से पक जाए। आलू मेरे अच्छे से गल चुके हैं देखिए जी, और ये जितना थिक मुझे चाहिए था ये उतना थिक हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अंडे, मैंने आगे ऐड कर दिए और ये मेरी मज़ेदार सी पटाटो विद एग करी बनकर तैयार हो गई है, मज़ेदार सी। और जितना मुझे ये थिक चाहिए था ये उतना ही है। अगर आप को इस तरह से कटिंग करके पसंद है तो आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद है पूरे साबुत तो आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और शेयर लाजमी कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। इसी तरह से आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।